ने तो भाजपा के कार्यकाल में ही जो पलायन और बेरोजगारी इतना बढ़ गया कि उसको धीरे धीरे कम करने के लिए योजनाएं हैं और वो काम कर रही है, आगे भी करती रहेगी। बीच में उनको बहुत डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई ताकि वो काम नहीं कर सके। ईडी सीबीआई का डर दिखा दिखा के 5 महीने जेल में रखा गया, लेकिन वो उन्होंने बाहर आकर भी अपनी तमाम योजनाओं को जनता के बीच उन्होंने उतारा और आगे भी उनके बहुत सारे सपने हैं। इस राज्य को देश का नंबर वन राज्य बनाने का बीड़ा उठाया है माननीय हेमंत सोरेन जी ने, और महागठबंधन की सरकार में वो करेंगे और हम सब उनका साथ देंगे। बिल्कुल बदलेगा, क्योंकि जनता ने बहुत इंतज़ार कर लिया। उन्हें लगा कि जब नगर विकास मंत्री थे हमारे माननीय विधायक जी, उस समय लगा था कि अब उनके हाथ में बहुत ज़्यादा पावर है, वो करेंगे। उस समय भी नहीं किया, फिर उन्होंने कहा कि अंतिम बार है, इस बार कर दीजिए, तो उन्होंने फिर मौका दिया, लेकिन ऐसा कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। राजधानी कभी कहीं से भी राजधानी नहीं लगती और वो अब वो तंग आ चुके हैं। अब चाहते हैं परिवर्तन हो, और परिवर्तन सिर्फ ऐसे नहीं, मैंने वो विश्वास हासिल किया है। मैं लगातार उनके बीच रहती हूँ, उनके सुख दुख में साथ देती हूँ, पर त्यौहार में जाती हूँ, तो इस तरह से एक रिश्ता बन गया है 1-to-1 कि अब वो मुझे निश्चित रूप से मौका देंगे। मैं इतना विश्वास मुझे भी हुआ है हमारे यहाँ की जनता में। मैं इसे पूरे देश में नंबर वन राज्य के साथ साथ नंबर वन राज्य बनने का सपना तो माननीय हेमंत सोरेन जी ने देखा है, मैं इस राजधानी को नंबर वन बनाना चाहती हूँ, क्योंकि हमारा झारखंड इतना खूबसूरत है, अगर हम लोग ठीक से इसे संवारेंगे तो टूरिज्म भी बहुत बढ़ेगा। देखिए, आपने देखा होगा कि पार्टी के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी बहुत सारे आए हुए थे, सबको अलग अलग जिम्मेदारी दे रहे हैं, सब लोग बहुत खुश हैं, बहुत जोश में हैं और सबको ये विश्वास है कि इस बार ये रांची राजधानी सीट निकल जाएगी, हम लोग जीतेंगे, महागठबंधन इस सीट को निकालेंगे। जैसा आपने कहा था कि 50,000 वोट से जो है, बिल्कुल ऐसा विश्वास है कि जनता इस बार हमें चुनेगी, क्योंकि पिछले 30 सालों से वो जिन प्रतिनिधि को चुनी है उनसे जो भी उम्मीदें थी पूरी नहीं हुई। जो हालत इस राजधानी की है देखकर नहीं लगता कि यहाँ कभी कोई काम हुआ होगा ढंग का। एक बड़े विजन के साथ काम करूँगी मैं एक साहित्यकार भी हूँ, समाजशास्त्री भी हूँ और विमेन कमीशन चेयरपर्सन के रूप में काम किया है, देश विदेश में हजारों कार्यक्रम अटेंड कर चुकी हूँ, तो बाहर जो कुछ देखा, हर जगह से बहुत कुछ सीखा जाना, उन सब का लाभ यहाँ की जनता को पहुँचाना चाहूँगी और एक ऊपर उठकर जो उनकी मूलभूत परेशानियाँ हैं उनको तो दूर करूँगी ही, और साथ ही बड़े विजन के साथ शहर का विकास करूँगी। जी, आपने कहा था कि मेट्रो सिटी और स्मार्ट सिटी रांची को बनाएंगे, क्या आप जीत कर आएंगे तो स्मार्ट सिटी या मेट्रो सिटी पे काम करेंगे? देखिए, मैंने ये कहा था कि इसको हम मेट्रो सिटी बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये कैपिटल है और झारखंड सबसे रिच स्टेट है। आपको पता होगा यहाँ इतने मिनरल्स हैं कि पूरे देश को हम सप्लाई करते हैं, कोयला, लोहा और तमाम तरह की चीज़ें, तो ऐसे में नीचे से सेकंड पायदान में झारखंड क्यों रहेगा, इतना गरीब राज्य क्यों रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी इसीलिए तो इतनी योजनाएं लॉन्च कर रहे हैं कि जो महिला तस्करी भाजपा के कार्यकाल में महिलाओं की हुआ करती थी उसे रोका जाए, कुछ सैलरी के नाम पर यहाँ की बच्चियों को ले जाके दूसरे राज्यों में बेचा जा रहा था भाजपा के कार्यकाल में, कितने तस्कर, मानव तस्कर उस समय यहाँ पर प्लेसमेंट एजेंसी खोल चुके थे, उसमें से पन्नालाल नाम का एक तस्कर था जो कि लगभग 15,000 हमारे झारखंड की लड़कियों का की तस्करी वो कर चुके थे। तो इन तमाम चीज़ों को रोकने के लिए उन्होंने अपने यहाँ ढेर सारी योजनाएं आरंभ की। ये जो मैया सम्मान योजना जो अभी 1,000 रुपया है और उसको बढ़ा के 2,500 किया जा रहा है, इसलिए ही है कि वो छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए दूसरों के चंगुल में ना जाए और पढ़ाई करे, और पढ़ाई में सपोर्ट करने के लिए फ्री एजुकेशन के साथ साथ सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना भी है जो 40,000 रुपये उनको आगे जाके मिलेगा ताकि वो अपनी दूसरी ज़रूरतों को पूरा करें। तो ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं।